पार्ट जो वीडियो का है ये है जब हम लोग जा रहे थे लेह से खारदुंगला के लिए, खारदुंगला पास करने, जो कि एक वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड जिसको कहते हैं। और यहाँ के नीचे पूरी लेह सिटी दिख रही है, और लेह खारदुंगला पास चढ़ते टाइम जो नज़ारे आते हैं, जो व्यूज़ आते हैं, वो अभी तक की लेह ट्रिप के हम लोग के सबसे ज़्यादा अल्टीमेट, मतलब बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिले थे। जो कि नीचे पूरी आप लोग को लेह सिटी दिख रही होगी, और ये नज़ारे इतने कलर कॉम्बिनेशंस, तो एक राइडर के लिए एक ड्रीम सा होता है कि वो ऐसी जगह जाए, स्पेशली लद्दाख की राइड करके आए। और राइड पे हम लोग बस निकले ही थे कि हम लोग को अपनी राइड की पहली चेक पोस्ट मिली, जो कि थी खारदुंगला की चढ़ाई के रास्ते में, जहाँ पे नॉर्मल लोग थे या फिर शायद जो यूनियन होता है रेंटल बाइक का उनके कोई लोग थे, मुझे पता नहीं इतना ढंग से, लेकिन उन लोगों ने बस गाड़ी के नंबर्स देखे और फिर हम लोग को जाने दिया। लद्दाख में ऐसा सीन है कि मनाली की जो बाइक्स हैं वो अलाउड नहीं है, तो आप जो जम्मू कश्मीर की बाइक्स हैं वही रेंट करके चला सकते हो, और मनाली की बाइक्स में आप ऊपर खारदुंगला वगैरह नहीं चढ़ सकते हो। तो इन्हीं कुछ नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम और मेरे दोस्त चल पड़े थे इन्हीं सब आगे। और जैसे ही हम लोग थोड़ी हाइट पर पहुँचे, हम लोग को सामने दिखी हिमालयन रेंज, जिसको देख के सभी एक्साइटेड हो गए थे। हिमांशु भाई तो रुक भी गए थे, और रुक के आराम से इन सब नज़ारों के मज़े ले रहे थे हिमांशु भाई। तो पूरी जो हिमालयन रेंज है वो दिख रही थी, और नीचे राइट में आपको दिख रहा होगा कि इस रूट से हम लोग आए, ये पूरा रूट हम लोग फॉलो करते हुए ऊपर तक अभी तक आए। अभी भी हम लोग एक अच्छे खासे एल्टीट्यूड पर, बाइक्स भी सबकी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी किसी की बाइक में, क्योंकि ड्यू टू लैक्स ऑक्सीजन। और उसके बाद हम लोग पहुँचे एक ऐसे व्यू पॉइंट पर जहाँ से पूरी हिमालयन रेंज का जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसको जहाँ पर रुकने के लिए हम लोग रुके, फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, उसके बाद निकले। तो ये कुछ रोड कंडीशन है जो आज से एक या दो साल पहले जो खारदुंगला की पूरी चढ़ाई थी, अब तो 50% पूरा टायरमैक वर्क हो चुका है, लेकिन ऐसी चढ़ाई थी जिस पर बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रोड्स तो बिल्कुल भी नहीं है, और बाकी ऐसी रोड है और बहुत ही पॉइंटेड शार्प जितने होते हैं वैसे उसमें स्टोन्स होते हैं रोड पे, तो टायर के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं वो। फिर भी अगर ये सब एडवेंचर का पार्ट होता है, अगर आप लद्दाख जा रहे हो या कोई भी राइड कर रहे हो तो सब एडवेंचर का पार्ट है। खारदुंगला टॉप यहाँ ऊपर, जो कि आप स्नो कैप दिख रहा है, बर्फ़ से ढका हुआ दिख रहा है, खारदुंगला टॉप तो यही है, जो फर्स्ट व्यू हम लोग को खारदुंगला टॉप का मिला था वो यहाँ से मिला था। फिर एक रास्ते में एक जगह पे पूरी बर्फ जमी हुई थी, जहाँ पे बाइक निकालना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बर्फ़ पे बाइक फिसल ली थी, तो धीमे धीमे अपना रास्ता बनाते हुए मैं सबसे आगे था और बाकी जो अपने जितने दोस्त लोग थे वो पीछे थे, तो धीमे धीमे रास्ता बना के हम लोग निकले। और इसी के साथ हम लोग एक अच्छे खासे एल्टीट्यूड, एक अच्छी खासी हाइट पे पहुंच चुके हैं। नीचे देख के आप लोग को लग ही रहा होगा स्क्रीन के लेफ्ट में कि हम लोग अच्छी खासी हाइट पे हैं, और बाइक भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी क्योंकि एक्सीलेटर ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन इंजन को इस एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम मिलता है, जिसकी वजह से बाइक को भी प्रॉब्लम होती है ऊपर चढ़ने में। और व्यू तो ऐसा था जो पूरी थकान कुछ भी हो सब कुछ गायब कर दे रहा था, क्योंकि एक राइडर के लिए ऐसा व्यू एक ड्रीम ही होता है, और ड्रीम हम लोग का पूरा होने जा रहा था। कुछ और ज़्यादा गंभीर खराब रोड हम लोग को मिली, और सामने आप देख सकते हैं पूरे बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन, जिसको अभी तक यूट्यूब के बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो में ही देखा है। फाइनली उस जगह को खुद एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो चीज़ स्क्रीन में देखते थे उसको खुद एक्सपीरियंस कर रहे थे हम लोग, उन रोडों पे, उन जगहों पे खुद बाइक चला रहे थे। पर आगे कुछ लैंडस्लाइड हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा जाम वगैरह लगा हुआ था, तो हम लोग को थोड़ा देर 10 मिनट या 15 मिनट रुकना पड़ा। उस एल्टीट्यूड पे सांस लेना मुश्किल था, इम्पॉसिबल नहीं था, मुश्किल था, लेकिन और छोटे छोटे जो काम थे वो टफ हो जाते थे, जैसे थोड़ा सा भी चलना, सीढ़ी चढ़ना, बाइक अगर आपकी गिर जाए तो उठाना। इनफैक्ट मेरी बाइक तो एक बार गिरी भी खारदुंगला टॉप पे, लेकिन सब ने मिल के, 8 बंदे लगे थे, 8 बंदों ने मिल के उठा दी।
एंड हैट्स ऑफ टू बीआरओ और दीज पीपल जो कि इतनी ठंड में इस एल्टीट्यूड पे ऐसे काम करते हैं। और फाइनली हम लोग का ड्रीम पूरा हुआ, हम लोग पहुँचे खारदुंगला पास जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो मेरा माइक ऑफ हो गया था तो रियल टाइम एक्सपीरियंस तो आप लोग नहीं समझ पा रहे होगे क्योंकि मैंने वॉइस ओवर किया, बट मैं इतना ही बता सकता हूँ कि अल्टीमेट एक्सपीरियंस था, यहाँ पहुँचना एक ड्रीम था जो कि पूरा हो गया। अब देखिए आप लोग आगे का वीडियो। सो फाइनली वी आर एट खारदुंगला टॉप, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एंड वी मेड इट। अभी क्या हुआ, मेरी गाड़ी गिर गई थी ये देखो, बट कुछ चोट वोट नहीं लगी, ऑक्सीजन का एज इन कोई इशू आ नहीं रहा है, बट हो सकता है बहुत लाइट लाइट है क्योंकि यहाँ छोटे से छोटा काम भी इस एल्टीट्यूड बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं हम लोग बैठते हैं, कुछ मैगी वगैरह खाते हैं, कावा वगैरह पीते हैं, देन फिर यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह कराते हैं। बट वी मेड इट फाइनली, मिशन रोड सेफ्टी टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो अब चलते हैं, कावा वगैरह पीते हैं, मैगी वगैरह खाते हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। चलो खारदुंगला में, खारदुंगला कैफेटेरिया में ब्राउनी खाने का अलग ही मज़ा है। और कैसी रही राइड हिमांशु भाई? ऑसम, मैंने तो सोचा और चलना है बट खत्म हो गया, मज़ा आ गया। इनको ना साइंस की कोई इशू हुआ ना कुछ हुआ, इंसान नहीं है। और ऊपर जाना है कितना जितना आया उतना और, जितना है उतना और जाना है, इनको स्पेस में जाना है बाइक लेके। तो अभी ब्राउनी किटकैट ऑर्डर करी है, इसको ख़त्म करके मैगी और कावा। कावा अलग चीज़ है यार, यहाँ है वो कावा ना पिया, या पिया 0 पॉइंट पे पी थी, अब खारदुंगला टॉप पे पी रहे हैं कावा। लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है, लाइट 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 लाइट। चलो खाते पीते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं। और राइड वॉज अल्टीमेट यार, तो खा पी के निकलते हैं आगे नुब्रा वैली के लिए। सो आर कावा एंड मैगी इज हेयर, और आपसे चिप्स भी कहा था लाने को। भाई के नाम का बिल फटेगा इस बार, भाई के नाम का बिल फाड़ने तो, लेकिन चिप्स ले आइए, ऐसे अकेले अकेले नहीं खाते। और भाई कैसी थी राइड? It was awesome, mind-blowing. Every rider said, भाई पांच की स्पीड में चल रहा था। मेरी गाड़ी की तो फट गई थी लिटरली थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद मजा आया खूब। लेकिन मेरी डोमिनार ने बढ़िया आउटपुट दिया, थोड़ी पावर लॉस हुई थी बट बढ़िया चली। ऑफ रोड बहुत ज़्यादा है बट जैसे बताते हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ नहीं यार, हर कोई कर सकता है। इससे टफ तो जोजिला था, बारिश में हम लोगों ने किया था। तो अब खाते हैं मैगी, पीते हैं कावा और आगे बढ़ते हैं नुब्रा वैली के लिए। तो अभी क्या पता चला कि जितना मैंने रिकॉर्डिंग करी किसी में कोई ऑडियो ही नहीं आया, क्या यार। भाई बर्फ देख, बहुत ठंडी है बे। नहीं चलो चलो, मेरा बैटरी गया यार, चेंज करो जल्दी यहीं पे। हाँ अरे या तो आगे करना, कुछ है नहीं अभी, इससे ज्यादा खराब रोड ही है बस, और कुछ नहीं है। चलो फिर आगे करते हैं, ऑक्सीजन इतना कम है इधर, जैसे तैसे रिकॉर्ड किया। खारदुंगला चढ़ना पहुंचना सब कुछ, और पता चला ऑडियो ही करप्ट हो गया उसका,
पता नहीं यार, नाटक ऐसी टाइम पे होने होते हैं ये सब। इस मामले में गोप्रो सही है, अगर कम से कम बिना माइक के भी अच्छा ऑडियो तो उठाता है। पूरा दिमाग खराब हो गया यार, रोड्स बहुत टफ है। इनफैक्ट गाड़ी बहुत फिसलेगी इन रोडों पे, क्योंकि स्लश है पूरा। ऑक्सीजन भी बहुत कम है और इधर पूरी बर्फ है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। सोचो सोचो कैसे यहाँ बाइक चल रही है, हमें लोग को पता है, क्योंकि ना तेज चला सकते हैं ना बहुत धीमे। तेज चलाए तो भी गिरोगे, धीमे चलाए तो भी एल्टीट्यूड की वजह से गिरोगे, गिरना पक्का है। और गिर गए लोडेड गाड़ी में तो अकेले इस एल्टीट्यूड पे उठेगी नहीं गाड़ी, अकेले आपसे कम से कम 3 से 4 बंदे चाहिए होंगे। चलो इधर तो यही सब है, रोडें ख़राब। आगे मिलता हूँ नूबरा वैली के रास्ते में। सो फाइनली फ्रेश टारमैक रोड्स आर ऑन। बड़ी देर के, एक घंटे की ऑफ रोडिंग के बाद हाथ पैर सब दर्द हो गए, ऊपर से नीचे तक हिल गए हम लोग, फिर जाके ऐसी रोड नसीब हुई है। और ये भी अभी नई बनी है, बन रही है। नीचे फिर ऑफ रोड है क्या भाई? ऐसा ना बोले यार, फट गई ऑफ रोड करते करते, पंजा पंजा डीजे हो चुके हैं इतनी ठंड में। शेट, बन रही है ना अब? अब फिर से ऑफ रोड शुरू, फिर से आंसू निकलेंगे। ऑफ रोड में 10 किलोमीटर का पैच 45 मिनट में पूरा, 1 घंटे के ऊपर में पूरा होता है। शेट, है ना आगे, है आगे फिर से। चलो सही है, मज़ा आ गया भाई, खारदुंगा करके मज़ा आ गया। क्या रोड है, आराम से आ रहे हैं, ग्रेवल्स ऑन द रोड। एंड वन मोर मेजेस्टिक व्यू। भाई क्या व्यू है नीचे, नीचे क्या सामने का क्या व्यू है। लेकिन यार बहुत गहरी खाई है, लेकिन सी द माउंटेन्स मैन, क्या व्यू है। तो अभी हम लोग क्या हुआ कि रास्ते में ही थोड़ा थक गए थे खारदुंगला से उतरने के बाद, तो बीच में ही सो गए। रास्ते में बिछाया बढ़िया तिरपाल वगैरह, मैट वगैरह, सो गए आराम से। क्या मस्त नींद आई थी यार, ठंडी हवा, नदी की आवाज़, मज़ा आ गया यार। लेकिन तो एक बार फिर से इंडिया के ग्रैंड कैनियन में गाड़ी चलाने का मज़ा आ रहा है। देखिए आप पहाड़ देखिए पहले चारों तरफ, इंडिया का ग्रैंड कैनियन सामने देख रहे हैं बस आप, नहीं मतलब क्या बात है भाई। तो अब हम लोग हैं नूबरा वैली में, और ये पूरी वैली है। और अभी रुके थे खाना ना खाने के, अभी रुके थे खाना वगैरह खाने के लिए, तो खाया पिया कुछ खास नहीं था यार। यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट्री सैलड भी नहीं यार, मतलब प्याज तक नहीं देते हैं। चलो कोई नहीं, तो लेफ्ट में पूरे सैंड है मेरे बिस्किट 70 सुमूर पनामिक 40 बिस्किट के लिए लेफ्ट। ये लोग गए किधर हैं, बिस्किट ही चलना पड़ेगा, तो निकल ना गए हो कहीं। और ये पूरा लेफ्ट में सैंड ड्यून्स हैं, ये पूरा बहुत मतलब सीधी रोड है, सामने और पीछे पहाड़, सीधी रोड। इनका पीछे का इंडिकेटर दिख नहीं रहा है,
हॉलीडे सीजन, ड्राइव विद रीजन हॉलीडे सीजन हम लोग का, तो जब देखो तब हॉलीडे, तो एकदम सीधी रोड है, एकदम सीधी जैसी मैग्नेटिक हिल पे मिली थी, और पहाड़ हैं और ये मल्टीपल शेड्स ऑफ कलर्स और ये पहाड़ों की लेयर, भाई साहब पीछे बैक मिरर से व्यू तो बहुत ही और ही बेहतरीन है, बट जाना भी हम लोग को सीधे। चलो फिर बिस्किट, व्यू कुछ ऐसा है, ये रहा पूरा रिवर, ये पूरी वैली एंड सैंड, और वो रोड से हम लोग आ रहे थे, सौरभ लोग अभी आ रहे हैं। कितना यार क्या व्यू है यार, ठंड कम है एज़ कम्पेयर टू ले, यहाँ पे ठंड कम है, मज़ा आ गया यार। लेकिन यहाँ पे बाइक चलाने, मतलब जब से हम लोग ले के लिए निकले हैं आफ्टर प्लेन्स, जब से माउंटेन्स पे राइड कर रहे हैं, हर मींस हर डे एक नया व्यू आता है। भाई साहब और इधर देखो आके, कितना बड़ा है भाई ये व्यू, आराम से आना भाई, कुछ लगा नहीं है, वन साइडेड है। तो फाइनली खारदुंगला करके नुब्रा में डिस्किट आ गए हम लोग, और डिस्किट में एक कैंप में रुके हैं, कैंप क्या टेंट कह लो, हाँ टेंट में रुके हैं। लेकिन पूरे नुब्रा वैली में लाइट का बड़ा इशू है, सिर्फ शाम को 6 बजे से रात के 11 बजे तक आती है, इसके बाद नहीं आती। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैमरा वगैरह रख रहा हूँ, जल्दी जल्दी सब चार्जिंग पे लगाता हूँ। और आज का डे बहुत बढ़िया रहा, बस मूड एक ही जगह ख़राब हुआ, जहाँ पर मेरे एक्शन कैमरा ने माइक का इनपुट लेना बंद कर दिया था, जिससे कुछ भी रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अब देखते हैं, उसको वॉइस ओवर करूँगा, बाकी जल्दी से सब कुछ चार्जिंग पे लगाते हैं और ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। Thank you.